हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि टाइट्रेशन जो मोहर सॉल्ट का है वो आपके आंसर शीट में किस तरीके से लिखना है। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जो ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन है हमारा, ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन ये आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो बेटा देखो, ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन जो है हमेशा से, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपको एम जो है वो दिया रहेगा, और एम क्या रहेगा आपका, देखो एम जो है वो है टू प्रिपेयर एम बाय 20, या तो एम बाय 20 दे सकते हैं, या फिर एम बाय 30 दे सकते हैं, या फिर एम बाय 40 दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक दे सकते हैं, या फिर आपके स्कूल में इसके अलावा भी कोई और भी मोलैरिटी दे सकते हैं। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपको जो भी मोलैरिटी देंगे उस मोलैरिटी के हिसाब से आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप टाइट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मोलैरिटी आपको एग्जाम में कोई भी मिले उससे कोई टेंशन नहीं लेना, हम सिर्फ अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे इसको। तो ऑक्सैलिक एसिड में भी क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, और इसी सॉल्यूशन के हेल्प से हमें फाइंड आउट करनी रहती है स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ द केमेनोफोर सॉल्यूशन। एपरेटस और केमिकल्स जो इसमें लगने वाले, जो जैसे कि बीकर होता है हमारा, टाइट्रेशन फ्लास्क होता है, ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, ब्यूरेट स्टैंड हम यूज करते हैं, फनल हम यूज करते हैं, कोनिकल फ्लास्क हम यूज करते हैं, केमेनोफोर होता है, और 4NH2SO4 होता है। और ये इसकी प्रोसीजर किस तरीके से की जाती है, ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है बेटा, वो मोहर सॉल्ट का वीडियो है। जो है ऑक्सैलिक एसिड में क्या करना पड़ता है, जब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फ्लास्क लेना है ना, ये ऐसा एक स्टैंडर्ड फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क में आपको सिंपली ऑक्सैलिक एसिड ऐड करना है। क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड ऐड करना है। हम मोहर सॉल्ट में उसमें कुछ और ऐड करते थे, इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है, सिर्फ वाटर के साथ में। हम यहां पर अगर मार्क है तो इस मार्क तक के हम इस तरीके से इसको सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है बेटा दोनों में, कि मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को जब आप पिपेट आउट करते हैं तो उसको हीट करना जरूरी होता है, मोहर सॉल्ट के सॉल्यूशन को हीट करना जरूरी नहीं होता है। अब क्वेश्चन यह है कि इसको हीट क्यों करना पड़ता है ऑक्सैलिक एसिड वाले सॉल्यूशन को, तो हम सिंपल आंसर देंगे इसका। अगर एक्सटर्नल हमसे वाइवा पूछते हैं तो हम कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को हीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उसकी रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, इसीलिए मैंने उसी में एड ऑन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हम लेंगे ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। ठीक, अब फॉर्मूला तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला ये कहता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये वेट ऑफ सोल्यूट मतलब कौन सा वेट हुआ, ये ऑक्सैलिक एसिड का वेट हुआ। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, और ये क्या होगा, मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हम लिखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता नहीं है, जनरली ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये COOH होता है, बट जो लेबोरेटरी में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है वो डाइहाइड्रेटेड भी होता है, मतलब COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, मतलब डाइहाइड्रेटेड भी ये होता है। तो चलिए सॉल्व करते, अगर मान के चलो मोलैरिटी एग्जाम में आपको 1/40 दी गई है, तो हम वैसे स्टार्ट कर लेते हैं, मोलैरिटी की जगह 1/40 लिखेंगे, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और मोलार मास जो है ऑक्सैलिक एसिड का मैंने यहां फॉर्मूला लिख दिया है बेटा, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोलार मास जो होता है वो होता है 126। आप है ना सिर्फ COOH का कैलकुलेट नहीं करना है, वाटर मॉलिक्यूल भी एड ऑन करना है क्योंकि ये COOH के क्रिस्टल्स है। तो 126 हुआ इनटू, यहां पर आ जाएगा 1000 अपॉन, जैसे कि इस फ्लास्क का जो भी वॉल्यूम है वो आपको यहां पर लिखना है, हम जो जनरली यूज करते हैं वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में हम यहां पे, हो सकता है आपके स्कूल में 500 ml का दिया हो, हो सकता है आपके स्कूल में 250 ml का दिया है, और अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो मैं चलिए 500 ml में आपको करके दिखाती हूं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। जब आप इसको 500 ml में लेते हो तब x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.58 ग्राम। ठीक है, 1.58 ग्राम है, आप यहां 250 ml लेकर ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितनी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे उतना ही सॉल्ट आपको पानी में डिसॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हुआ, उतना ही सॉल्ट आपको पानी में डिसॉल्व करना है और आपको फिर आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जाम में या तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन या फिर आयोनिक इक्वेशन लिखने पड़ते हैं।
आयोनिक इक्वेशन काफी इजी होते हैं समझने के लिए, इसीलिए बेटर है कि आप इन्हीं आयोनिक इक्वेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं थोड़ा सा रेड इंक यूज कर रही हूं ताकि ये क्लैरिटी रहे। अब देखिए बेटा, मैंने कल भी यही चीज समझाई थी उसमें कि इसको समझ के करो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास में MnO4 निगेटिव है, मतलब KMnO4, जब KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है Mn2+ आयन में। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +7 से कन्वर्ट हो रही है +2 में, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो मैंने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ठीक है। साथ में वो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, 4H2O, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो हमने यहाँ 8H+ दिखा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि COO2 किस तरीके से, जो COH और COH जो है C2O4 2 निगेटिव भी आप कह सकते हो, इसी फॉर्मूला को आप C2O4H2 भी कह सकते हैं। तो वैसे ही मैंने C2O4 2 निगेटिव कहा है क्योंकि दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो इसमें जो रिलीज होता है, यहां पर ये जो रिलीज होगा वो होगा, ये देगा CO2, ये CO2 देता है, और जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर हम कहेंगे इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फाइनली हमें आंसर मिल जाता है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2MnO4 निगेटिव प्लस, अब देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये दोनों कट जाएंगे, फिर यहां पर बच रहा है हमारे पास में 5C2O4 2 निगेटिव, इट मींस 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्टिंग विथ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये 16H+ हो जाएगा, और फिर हम यहां आते हैं, ये हो जाएगा 2Mn2+, और साथ में ही ये बन जाएगा 8H2O, और यहां पर नीचे क्या बचा है, 10CO2। तो ये रिएक्शन आप समझ के जाइएगा, समझ के लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसमें भी KMnO4 जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एज अ सेल्फ इंडिकेटर, और इसीलिए आपको और कोई भी चीज इसमें लिखने की जरूरत नहीं, कोई अलग से हम एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड नहीं करते, हम सिंपल सा सेल्फ KMnO4 जो कि सेल्फ इंडिकेटर है वही हम लेते हैं। अब देखो, इसका भी एंड पॉइंट सेम ही होता है, कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर डेवलप होता है इसमें। अब हम वेट ऑफ वॉच ग्लास का अगर देखें तो ये है 17.4, आप जो भी वेट निकले वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम एक और चीज मेंशन करते हैं, ये एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपने कितना लिया, या तो आप 10ml भी ले सकते हैं या फिर आप 20ml भी ले सकते हैं, जितना भी वॉल्यूम ऑफ पिपेट होगा वही वॉल्यूम ऑफ पिपेट आप यहां पर मेंशन करेंगे। और जब भी आप पिपेट आउट करते हो हर बार उस सॉल्यूशन को 60-70 डिग्री तक हीट करना जरूरी होता है, मतलब हल्का सा कुनकुना जो होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा गर्म, बट बहुत भी ज्यादा बॉइल नहीं करना है, बॉइल तो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, ठीक है। फिर आपने यहां पर ये लिख दिया है अच्छे से, ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया है। एग्जाम में बेटा बिल्कुल आलसी नहीं करना, टेबल प्रॉपर तरीके से स्केल से अच्छे से बनाना है ना, जितनी कॉपी नीट एंड क्लीन रहेगी उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए, अब हम रीडिंग्स लेना जब स्टार्ट करते, तो जैसे अगर मैंने पहली रीडिंग शुरू की 0.0 से, मेरा आंसर आ सकता है 9.8 आ सकता है यहां पे, फिर मैं या तो 9.8 से भी शुरू कर सकती हूँ या तो इस सॉल्यूशन को फिर से भर सकती हूँ, मेरा आंसर यहाँ आ सकता है 9.7, फिर मैं इसको फिर से फिल करूंगी, हो सकता है मेरा आंसर फिर से 9.7 आया, फिर से एक बार मैं करके देखूंगी यहां पर, हो सकता है मेरा आंसर ये आए, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड जो कि हम ml में निकालते हैं ना, ये याद रखना बेटा चीज, ml में निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हर बार जो है अगर आपने उस सॉल्यूशन को जीरो तक फिल किया है तो वो जैसे के वैसे ही रहेगा, और ये बन गया हमारा यहां पर, आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे दो ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और जो रिपीटिंग रीडिंग रहती है उसी को कहा जाता है कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, क्या कहा जाता है उसको, कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, और इसीलिए यहां पे आंसर जो है वो आएगा 9.7 ml, ठीक है। तो ये आपका निकल गया कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, यहां पर एवरेज नहीं निकालना है, चाहे ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन हो या मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन हो, आपको इसमें एवरेज नहीं निकालना पड़ता है, ऐसी दो रीडिंग जो रिपीट हो रही है उन्हीं को यहां पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको और लिख लेते हैं यहां पे,
यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर अप्रोक्सिमेटली मैंने लिख दिया था। अब चलिए बता देती हूँ मैं नेक्स्ट क्या होता है। अगर मान के चलो ये एम वन वी वन है तो हम कहेंगे मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर। वी वन मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर, एम टू मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और वी टू मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो मोलैरिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे अगर हमने लिया है तो हमारा कितना आया है रीडिंग में, हमारा यहाँ आंसर 9.7 आया है। यहाँ पे अगर आप मोलैरिटी देखोगे तो क्वेश्चन में जो दी है, जैसे 1/40 दी है तो आप 40 लिखिए, यहाँ पे 10, 20 जो भी लिखा हुआ है आपने, जो भी ml का पिपेट लिया है उसके हिसाब से आपके यहाँ पर लिखेंगे। और ये अब देखो बेटा, ये इसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों को, है ना, इसमें सबसे ज्यादा डाउट क्या होता है कि 2/10 कैसे आया, कहां से आया है 2/10। जैसे कि मैंने यहां पे मोहर सॉल्ट का एक्सप्लेन किया है, वही बता रही हूं कि एन वन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमेनोफोर होता है, और एन टू यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहां पर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड होगा, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मैं आपको इक्वेशन में समझा देती हूं कि यह आंसर 2/5 कैसे आया। चलिए ऊपर चलते हैं हम, जहां पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसी इक्वेशन के पास में, जो मैंने इक्वेशन समझाया था आपको। जब आप इस इक्वेशन में देखोगे, ध्यान से देखो जरा, अभी मैं समझाती हूं, ये देखो 2 मोल्स ऑफ केमेनोफोर रिएक्टिंग विथ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो आता है 2/5। तो ऑक्सैलिक एसिड में किसी भी मोलैरिटी का आपको क्यों ना मिले, आपको आंसर जो लिखना है वो है 2/5। ठीक है, तो अभी हमने 2/5 आंसर लिख लिया है, और फिर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है हमारा आंसर ये आए, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा आपका जो भी आंसर आएगा, और फिर हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख के हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर। तो ये आंसर आएगा आपका, आप मान के चलिए जैसे मैंने कहा था 1 और 2 ग्राम के बीच में आएगा, मतलब हो सकता है आपका आंसर ये 1.50 के आसपास आए। ठीक है, तो आप इसको निकाल के रखिए अच्छे से, और फिर यहां हम फाइनल आंसर लिखते हैं कि मोलैरिटी जो है ये 101 आई, और जो स्ट्रेंथ जो आई है 1.50। और सिमिलरली हम इसमें भी 2 प्रिकॉशंस लिखेंगे, कोई भी 2 प्रिकॉशंस आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और उसी हिसाब से आप कॉपी में लिखिए। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।